केंद्रीय पर्यटक राज्य मंत्री श्रीपद नाइक बुधवार को अजमेर पहुंचे, जहां अजमेर पहुंचने पर उन्होंने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत कर स्कूल प्रबंधन को सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। अजमेर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कोविड-19 महामारी ने देश को अपनी मुट्ठी में लिया, जिसके कारण सभी काम और स्कूल बंद थे, लेकिन एक बार फिर स्कूल खुले हैं और जिस गति से बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए वह शुरू हुई है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा के साथ सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी में अपना नेतृत्व दिया और इससे लड़ाई लड़ी, इसे लेकर वह उनका आभार प्रकट करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, चौथी लहर के आने की आशंका है, इसे लेकर हमें सजग रहने की आवश्यकता है। सचमुच मेरा ये 2 साल से पहला पब्लिक कार्यक्रम है स्कूल का, और जिस तरह से कोविड-19 ने पूरे देश को एक अपने मुट्ठी में लिया था, सभी एक्टिविटी बंद थी, स्कूल बंद थे, अभी कहीं 1-1.5-2 महीने में ये सब शुरू हो गया है, और बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने जोखिम लेके फिर बच्चों की पढ़ाई स्कूल ने शुरू की है, और वो जिस गति से जाना चाहिए वो गति से वो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बुरी तरह से प्रभाव इस कोविड-19 का पूरे देश में पड़ा है, एजुकेशन क्षेत्र हो, बाकी सभी क्षेत्र हो, लेकिन ये हमारे हाथ का बाहर था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से हमको नेतृत्व दिया और इस कोविड-19 के इस पैंडमिक को इस तरह से फाइट किया, इसलिए उनका भी उनसे धन्यवाद आप सब लोगों ने करने चाहिए। आज स्थिति बेहतर हो रही है, और लेकिन थोड़ी सी हमें तस्दीक लेनी पड़ेगी कि अभी तक कुछ फिनिश नहीं हुआ है, कोई बोलते हैं चौथा लहर आने वाला है, लेकिन हमने सज्ज रहना चाहिए, यही मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ। यही तो कि हम सब भगवान ने हमें इस भारत भूमि में जो जन्म दिया है, निश्चित तौर से हम उससे गौरवान्वित हुए हैं। कई सालों से पहले ये भारत भूमि पूरे दुनिया के गुरुस्थान प्रति सबसे ऊपर थी, जो कुछ आपने जो पूरे दुनिया को दे दिया ये भारत से दिया, कला हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, सब तरह की स्टडी उन्होंने हमने उनको बहुत कुछ दुनिया को दे दिया है। फिर भारत आगे बढ़े और किसके आधार पर बढ़ेगा, अच्छी तरह अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा हो, सुसंस्कारित पीढ़ी हो, यही जब हम खड़ा करेंगे तभी तो हम फिर उसी पोजीशन पे आएंगे। और ये काम बहुत अच्छा लगा है यहाँ काम देखने के बाद कि ये सभी तरह की जो अच्छी शिक्षा है ये अपने दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दे रहा है, सभी स्कूलों ने इस तरह का प्रयास किया ना, तो निश्चित तौर से आने वाले सदी में हम निश्चित तौर से वही स्थान प्राप्त करेंगे। सर मैंने बोला ना कि मन प्रसन्न हो गया, एक कभी कभी मन में एक आशंका पैदा होती थी आगे क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और करण चव्हाण जैसे यूथ आज ये शिक्षा क्षेत्र में आए हैं और पूरे शिक्षा क्षेत्र में बदलाव आने की जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे नागरिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलराउंड सभी गुणों से संपन्न, संस्कृति से संपन्न ये जो कर रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। सर आज राजस्थान दिवस है, उसकी आपको शुभकामनाएं, तो इस पर जितने माध्यम के लिसनर हैं, बाकी जितने लोग हैं, उसको क्या संदेश? हर एक ने हमें जो भगवान ने इस धरती पे जन्म दिया है, हमारा फर्ज बनता है समाज के प्रति, देश के प्रति हम कर्तव्य निष्ठ रहने चाहिए, और यदि एक नागरिक अच्छा नागरिक बने वही समाज के लिए, देश के लिए एक ताकत बनती है, और यदि और कुछ उनके बारे में और दूसरी तरह से गाए वो तो एक ये बनता है, और इसलिए हरेक ने अच्छी शिक्षा लेके इस समाज के प्रति, देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है वो किया, तो देश सबसे आगे जल्दी से आगे बढ़ेगा, और यही मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि ये देश है इसलिए हम है, देश पहले बाद में सब कुछ, इसी इरादे से इसी हम चलते हैं, और सबको यही मेरी प्रार्थना है कि हम एक सच्चे देशभक्त बने, समाज भक्त बने और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करें। धन्यवाद।